मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल। आज की तारीख में मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर चंदौली जिले में खड़ा हूँ। आज की तारीख में पशुपालन बहुत ही टिपिकल हो गया, ज्यादा दूध देने वाले पशु हर जगह मिल रहे हैं। लोग अपने घर में आंगन में ईंटें बिछा देते हैं, इसकी वजह से जब पशु वहां पर बांधा जाता है तो उसके खुर में जो ईंटे की रगड़ होती है और जब वो उठता है बैठता है काफी दिक्कत होती है। उठने बैठने पर घुटनों में सूजन आ जाती है और खुर घिस जाते हैं, इसलिए पशु लेंगड़ाकर चलने लगता है। समस्याएं लगभग हर जगह देखा जाता है कि पक्की जगहों पर जो लोग बांधते हैं अपने पशुओं को उसके नीचे एक मैट डालते हैं। उस मैट का फायदा क्या होता है वो राजस्थान हरियाणा और पंजाब के किसानों ने काफी अच्छे से समझा था। छोटी जगह होती है, पक्का घर बनाए, पक्की जगह है, पक्का जो है नांदे बनाई, पक्की जगह बांधते हैं तो उनके खुरों में घिसावट आती है, पशु लेंगड़ा के चलने लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। उस कंडीशन में हजारों रुपए की दवाइयां लग जाती हैं, दूध का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है और पशु मालिक हमेशा परेशान रहता है। जब वो बैठता है उठता है तो उसके घुटनों में काफी दिक्कतें आती हैं, उसमें हाइग्रोमा नामक बीमारी हो जाती है जो घुटने फूल जाते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं। वहां पर लोग दुनिया भर की दवाइयां खिलाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समझा कि हम मैट को अगर रख लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। और आज सोशल मीडिया का जमाना होने की वजह से यूट्यूब के माध्यम से काफी किसान इस चीज को समझने लगे हैं। आज आपका पशु डॉक्टर नहीं गाइड करता है, वो खुद जानना होता है, आपको खुद समझना होता है। गांव देहात में भी लोग अपने आंगन को पक्का कर रहे हैं और उसी पर जमीन पर पशुओं को बांध रहे हैं, इसकी वजह से उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आज हम आपको मैट चंदौली में कहां मिलता है ये मैं बताऊंगा, मैं उस दुकान के बारे में बताऊंगा, उस जगह के बारे में बताऊंगा। ये 8 फुट लंबी है और 5 फुट चौड़ी है। आप 2 मैट 3 मैट 4 मैट जहां पर नांदी रखे हैं, जहां पर खाना खिला रहे हैं वहां पर आप रख सकते हैं। अगले पैर के लिए दिक्कत नहीं होगी, पीछे का भी पैर आ जाएगा, खुद थन से निकलता है और उस जगह पर मेस्टाइटिस होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, थनैली ज्यादा होती है क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करने का मुख्य कारण होता है दूध। तो ये मैट है, ये मैट इस तरीके से आप देखिए अच्छा स्टॉक रखते हैं, बाकी ये तो शोरूम के लिए रखे हुए हैं, गोडाउन में इनके पास पड़ा हुआ है। मैं पलिक से आपको मिलाता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दुकान कहाँ पर है, किस नाम से है, आप कहाँ खोजेंगे, मैं फोन नंबर भी दूंगा और उनसे बात भी कराऊंगा। शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी एवं फ्रोजन सीमेन, यहाँ पर आपको मछली सीमेन कुत्ता गाय भैंस की दवाइयाँ आपको मिलेंगी जो काफी अच्छे दामों पर मिलती हैं। ये हमारे ऋषि कुमार सिंह हैं, इनका प्यार से नाम पप्पू बोलते हैं, वो वाला पप्पू मत समझिएगा, बहुत होशियार पप्पू है। नमस्कार, मैं ऋषि कुमार सिंह शिव शक्ति मेडिकल अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? ये मैट आप बनवाते हैं कि आप खरीदते हैं, कैसे? मैं बनवाता नहीं हूँ ये मैट, मैं दिल्ली से ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मेस्टाइटिस में पशु की हानि जो होती है, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पशुपालक का पैसा खर्चा होता है और पशु को रिकवर करने में काफी समय लगता है। ये मैट भैया जो दे रहे हैं ये कितने पैसे की मैट पड़ती है? 2800 2700 2750। आपके पास उपलब्ध मैट कितने रुपए से चालू होती है? 3450 रुपए से लेकर 2800 तक, मतलब 2800 रुपए से लेकर के 3450 रुपए तक की रेंज में आती है। ब्लैक वाली मैट है ये कितने की पड़ती है? सेम। अच्छा, मैट आप कब से बेच रहे हैं? ये मैट लगभग 3 साल से। ये आप कैसे बेचने लगे, क्यों बेचने लगे? ऐसा है कि मेरे गांव में भी, मेरे घर पे भी गायें हैं जो खड़ंजे वड़ंजे पे बैठती हैं, आरसीसी हुई है और उस समय काफ़ी समस्याएं होती थी खुरों में और मेस्टाइटिस की वजह से गाय खराब भी हो जाती थी, पैसा भी काफ़ी खर्च होता था। तो हमारे मन में आया कि इसके ऊपर जो है कुछ लगाना चाहिए। आपने लिया था, आपने रखा था मैट अपने यहाँ? नहीं नहीं, हमने मंगाया के जब हम यूज किए 7 वर्ष 6 महीने, तो मेस्टाइटिस की जो होने का सिलसिला था, खुर का घिसना है, लंगड़ाहट है, बैठने से जो
पंखे पिछल जाते थे जी, उनका कम हुआ, मेस्टाइटिस भी कम, मेस्टाइटिस तो काफी, यानी आपको काफी फायदा मिला, 80-85% लाभ मिला मेस्टाइटिस, जो काफी पैसा खर्चा हो जाता है, तो इस वजह से जो है हम जब मंगाए तो हमें लाभ हुआ, तो फिर हम मंगा के जो है और उसको बेचने लगे, धीरे बेचने लगे, पहले तो दिखता नहीं था, किसानों को काफ़ी समझाना पड़ता था, लेकिन जब एक दो किसान ले गए, उनको फ़ायदा समझ में आया, तब आज के रेट में बहुत अच्छा बिकता है, पहले तो बहुत महंगा भी हम मंगाते थे, 42-42 का बैट मिलता था, यही बैट जानकारी थी। तो आपने जब मंगाया होगा तो आपको मोटा चूना लोगों ने लगाया होगा, हमें बहुत महंगा पड़ा था, उसके बाद जो है अब जो हम इसको मंगा के बेचने लगे तो 2800-2800 में बेचने लगे, 2200-2300 में बेचने लगे, 2200-2300 का 1800 का भी बैट मंगा के हमने बेचा है, लेकिन वो बैट की क्वालिटी बहुत गड़बड़ थी, उसमें कंप्लेन आने लगी, इस वजह से उसमें क्या कंप्लेन आती थी, उसमें कंप्लेन यही आती थी कि बीच से फट जाते थे और जो है क्रेक हो जाते थे, उनके जो ये रेसे निकल आते थे, फोम रबड़ है वो क्वालिटी खराब थी, इसकी वजह से वो खराब हो जाते थे जल्दी, और इस बैट की लगभग 4 साल लाइफ है। अच्छा, ये 4 साल तक चलेगा, 4 साल आराम से चलता है अगर नीचे, लेकिन जमीनें जो है काफी समतल होनी चाहिए, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ हो, उबड़ खाबड़ रहेगा तो पैर रखेगा, 5 क्विंटल का पशु है वो तो खराब होगा, अगर नीचे खड़ंजा वगैरह प्रॉपरली सही से हो तो ये खराब नहीं होगा, 4 साल इसकी लाइफ। तो भैया आपने ये ऋषि कुमार सिंह की बातों को आपने समझा, भाई साहब अगर चंदौली या चंदौली के आसपास या बिहार से कैमूर डिस्ट्रिक्ट या आसपास के लोग अगर लेना चाहते हो या आपसे कोई जानकारी लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हैं? हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9935311972। 9935311972 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप इसमें मैट में बार्गेनिंग भी होती है? नहीं, बार्गेनिंग बहुत नहीं है, ये फिक्स रेट है, रेट है, उसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं रहता है, किसान है कुछ जबरदस्ती करके छोड़वा लेते ही है। अच्छा ये बताइए, हमारे वीडियो के माध्यम से जो बंदा आएगा उसको चाय समोसा खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? चाय समोसा खिला देंगे भाई। तो भैया चाय समोसा मिलेगी, वीडियो देख के आइएगा, नंबर पर बात करिएगा, आप इनसे मैट वगैरह लीजिएगा, अगर क्वांटिटी अच्छी होगी तो सर्विस भी दे देंगे। क्वांटिटी अगर अच्छी है 10-20-50-100 किलोमीटर के बीच है तो वो आपके घर तक ही पहुंचा देंगे। तो आप तो एक दो मैट है तो आपको, हाँ 1-2-4 मैट है तो आपको अपने संसाधन से आना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा, 1-2 मैट में आप जानते हैं कितना बचता है। गाड़ी की सप्लाई भी है कुछ, इनका सीमेंट और ये सारी दवाइयों का सप्लाई भी करते हैं, गाड़ियां जाती हैं इनके स्टेशन तक, जहां जहां तक जाती हैं उसके 10-5 किलोमीटर आगे पीछे भी हो जाता है, और आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर इनसे बात करके आप ले सकते हैं, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। तो भैया ये हमारा पशुपालन से संबंधित जुड़ा हुआ एक वीडियो था जो हमारी गाय के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जो लोग घर बना करके अपने आंगन को पक्का कर लिए, अपने दरवाजे को पक्का किए और पशुपालन में जुड़े हुए हैं, वो इन दिक्कतों से फेस कर रहे हैं, मैट लेने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने गाँव में, अपने आस पास में जरूर इसको फैलाइएगा, और चंदौली के आसपास के क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैट लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।